वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्राम गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी आने वाले सीएसआईआर एग्जाम के लिए। सो गाइस, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, लेट मी टेल देम, अगर उन्हें नहीं पता है तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। आई एम वन ऑफ द टॉप एंड वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी स्पेशलाइज्ड फॉर द कैटेगरी ऑफ सीएसआईआर यूजीसी नेट इन लाइफ साइंस अरीना। सो गाइस, यहाँ पर आप जो है पेड कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं एंड फ्री कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। इन केस अगर आप प्लस के बारे में और जानना चाहते हैं तो यू जस्ट कैन क्लिक ऑन लर्न मोर ऑन प्लस। बाकी लास्ट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अबाउट प्लस आप लोगों को दूंगी। स्टिल ऑन योर ओन ऑल्सो यू कैन ओके गाइस, नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द सीएसआईआर नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ चुके हैं, इसके आउटकम्स भी पढ़ चुके हैं, बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर्स इफेक्ट। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से भी सीखेंगे कुछ और एडिशनल पॉइंट्स जो हमें मिलेंगे, वी विल लर्न दोज थिंग्स ऑल्सो। बट मेक श्योर आप खुद से जो है कोशिश करें, मेरे एक्सप्लेनेशन की वेट ना करें, पोस्ट करके वीडियो को एक बार खुद करने की कोशिश करें, बिकॉज ऑलरेडी आप वीडियोज देख चुके हैं, हो सकता है आपने खुद से भी ये पहले टॉपिक पढ़ रखा हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया जाए बेहतर तरीके से। ओके एवरीबडी, एज यू कैन सी दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये एक सेक्शन बी का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको फाइंड करनी है। देख लेते हैं चारों स्टेटमेंट कौन सी हैं। फर्स्ट इज लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस अकर्स विद इन अ स्मॉल पॉपुलेशन ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। सेकेंड इज द नंबर ऑफ डेलीटीरियस अलील्स प्रेजेंट इन द जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिक लोड। थर्ड इज जेनेटिक इरोजन इज अ रिडक्शन इन लेवल्स ऑफ होमोजाइगोसिटी। एंड फोर्थ इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज होमोजाइगोसिटी फॉर डेलीटीरियस अलील्स। देखिए, हालांकि हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बट अगेन दैट इज द बेस्ट वे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कुछ सीखें, बिकॉज यू नो दैट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस रिपीट होंगे, रीफ्रेम होकर रिपीट होंगे, लेकिन हमें सारा अच्छे से पता होगा तो हम कर लेंगे। पोज कीजिएगा, एक एक ऑप्शन को एनालाइज कीजिएगा एंड सही आंसर तक पहुँचने की कोशिश कीजिएगा, फिर बताइएगा कि आपका आंसर सही था या फिर नहीं। चलिए अगर हम सबसे पहली स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं, देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट में हमने सबसे पहली बात क्या पढ़ी कि एक रेंडम प्रोसेस है, ठीक है, प्री डिटरमाइंड वे में नहीं हो रहा है, कुछ इंटेंशन नहीं है कि इंटेंशनली जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, रेंडम प्रोसेस है टोटल। एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने पढ़ा हो या इसके आउटकम्स हमने पढ़े हो, सब में हमने देखा कि देर इज अ लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, वो भी स्मॉल पॉपुलेशन में। ये बिल्कुल सही बात है, काफी सारी चीजें इसमें बता दी गई हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट को बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन कर दिया गया, ये बिल्कुल सही है, हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। सेकेंड इज व्हाट द नंबर ऑफ डेलीटीरियस अलील्स प्रेजेंट इन द जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिक लोड। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। अब यहाँ पर एक टर्म आई है, दैट इज डेलीटीरियस अलील्स। देखिए डेलीटीरियस अलील्स क्या होते हैं, हार्मफुल अलील्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को रिड्यूस करते हैं। तो अगर ऐसे अलील्स प्रेजेंट हैं जीन पूल में तो बिल्कुल सही बात है कि वो एक जेनेटिक लोड की तरह काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जेनेटिक इरोजन इज रिडक्शन इन लेवल्स ऑफ होमोजाइगोसिटी। देखिए जेनेटिक इरोजन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसको हम जेनेटिक डिप्लीशन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अभी आपको यहाँ पर जो है जेनेटिक इरोजन करके मिला है ये टर्म, बाकी आपको जो है कहीं जेनेटिक डिप्लीशन करके भी ये टर्म मिल सकता है, तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि दोनों का मतलब एकदम सेम है। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पर क्या है लिमिटेड जीन पूल प्रेजेंट है किसी एंडेंजर्ड स्पीशीज का, ठीक है, एंड वो एंडेंजर्ड स्पीशीज का जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंडिविजुअल है, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो भी क्या हो जाए, डाई ऑफ हो जाए, मर जाए बिफोर रिप्रोड्यूसिंग विद अदर्स इन द एंडेंजर्ड लो पॉपुलेशन, तब हम क्या कहेंगे कि जेनेटिक इरोजन हो गया। मैं एक बार आपको उसका पूरा सा अच्छे से स्टेटमेंट भी बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो लिख भी सकते हैं जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हैं। जेनेटिक इरोजन इज अ प्रोसेस वेयर द लिमिटेड जीन पूल ऑफ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज डिमिनिशेस इवन मोर
when reproductive individuals die off before reproducing with others in their endangered low population. That is what genetic erosion. ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ होमोजाइगोसिटी में रिडक्शन होगा. नो, दिस इज नथिंग. ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है एंड एक करेक्ट आंसर है अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो. इनब्रीडिंग डिप्रेशन रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीज्ड होमोजाइगोसिटी फॉर डेलीटेरियस एलील्स. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. देखिए, अब ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्यों. हालांकि अगर आपको थर्ड स्टेटमेंट के बारे में नहीं भी पता होता तब भी जो है आप अच्छे से इन तीनों को ट्रू करके ऑड ऑप्शंस हटाकर मतलब सही तक पहुंच सकते थे. इसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्रॉस की हेल्प से. ठीक है, ये हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी पढ़ा था एंड तब भी मैंने बोला था मैं एग्जाम्पल जब कराऊंगी तब आई विल एक्सप्लेन इट. तो चलिए देखते हैं. करेक्ट आंसर है 3. ठीक है, अब टर्म्स यूज हुई है होमोजाइगोसिटी. तो देखिए, मुझे लगता है ये सबको बहुत अच्छे से पता है कि होमोजाइगस की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, या हेटरोजाइगस की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है. ऑब्वियसली बात है, टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए तभी आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो. ओके, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं एंड थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. सो एक ही क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है. काफी बार ये टर्म आती है डेलीटेरियस एलील्स, तो एक बार इसके बारे में भी देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज. देखिए, दीज रिफर्स टू अ वर्जन ऑफ जीन दैट ऑन एन एवरेज डिक्रीज द फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कैरिंग इट. डेलीटेरियस का मतलब ही होता है हार्मफुल. ठीक है, आप इसका नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग भी देखेंगे तो इट मीन्स हार्मफुल. हार्मफुल अलील्स हैं, डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन्स हैं जो कि डिक्रीज करते हैं उस ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को जो कि इसको कैरी कर रहा है. दीज अलील्स अराइज कॉन्स्टेंटली थ्रू म्यूटेशंस. म्यूटेशंस जो कि वेरिएशंस ऑल्टरेशन लेकर आ रहे हैं डीएनए में, उसकी वजह से ऐसे अलील्स अराइज होते हैं. ठीक है, एंड वी नो दैट म्यूटेशंस का रेट बहुत हाई नहीं होता, स्लोली एंड स्टेडली म्यूटेशंस आते हैं. सो अगर हम डेलीटेरियस अलील्स के बारे में भी बात करें तो दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन लो फ्रिक्वेंसीज. ऑब्वियसली जो भी चीज ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को डिक्रीज करेगी वो बहुत ज्यादा नंबर में तो प्रेजेंट होगी नहीं, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन भी एज एन इवोल्यूशनरी फोर्स की तरह काम कर रहा है. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. सो दैट इज द केस. ये दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा. अब हम फोर्थ स्टेटमेंट को और बेहतर तरीके से समझते हैं जो मैंने आपको बोला मैं आपको क्रॉस की हेल्प से समझाऊंगी. एक आया था टर्म इनब्रीडिंग डिप्रेशन, दैट इनब्रीडिंग डिप्रेशन लीड्स टू होमोजाइगोसिटी और इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी. तो एक बार हम देख लेते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है. एक बार मैं आपको नॉर्मली भी बता देती हूँ. देखिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन लॉस डिप्रेस होता जा रहा है एक तरीके से. ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, बायोलॉजिकल फिटनेस जो है गिवन पॉपुलेशन की वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, रिलेटेड बोल लो या फिर क्लोज इंडिविजुअल्स बोल लो, उनके बीच में मीटिंग हो रही है. ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि बिल्कुल क्लोज इंडिविजुअल्स के बीच में या रिश्तेदारों रिलेटिव्स के बीच में जो है शादी नहीं होनी चाहिए. इनब्रीडिंग डिप्रेशन कोर्स होता है, जो बायोलॉजिकल फिटनेस होती है एक ऑर्गेनिज्म की वो कम होती चली जाती है, क्योंकि इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाता है जो कि हार्मफुल एलील्स को लेकर आता है. ठीक है, अभी हम क्रॉस से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. बेसिकली इतना आप याद रखिएगा, इट रिफर्स टू डिक्रीज इन फिटनेस एंड विगॉर ड्यू टू इनब्रीडिंग और इट मे बी डिफाइंड एज अ रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग. ठीक है, इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी जो है या फिर जो डिलीटीरियस अलील्स हैं उनका नंबर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. ठीक है, इसको एक जो है एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. हाँ जी, यहाँ पर देखिए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट डोमिनेंट अली एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट रेसेसिव डिलीटीरियस अली. ठीक है, अब यहाँ पर मेटिंग हुई दो इंडिविजुअल्स की जिसमें एक का जो है जीनोटाइप ये था, एक का जीनोटाइप ये था, जहां पर रेसेसिव डिलीटीरियस अलील भी प्रेजेंट था. ठीक है, मेटिंग हुई, उसके बाद जो है प्रोजेनी आई, ऑफस्प्रिंग आए एंड आप यहाँ देख रहे हो इन सेकेंड एंड थर्ड के बीच में. ठीक है, दे आर द क्लोज रिलेटिव्स ऑब्वियसली. ठीक है, इसी जनरेशन के हैं दोनों के दोनों. इन दोनों के बीच में जो है मीटिंग हो गई. यहाँ आउटब्रीडिंग हो रही है, यहाँ पर जो है इनब्रीडिंग हो रही है, क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग हो रही है. तो आप देख रहे हैं आउटकम क्या निकल कर आ रहा है. दिस इज द आउटकम दैट इज कमिंग आउट, यानी कि डेलीटीरियस अलील की होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी में डेलीटीरियस अलील्स जो है वो बढ़ रहे हैं. यही बोला गया था फोर्थ स्टेटमेंट में, बिल्कुल आप क्लियरली देख भी पा रहे हो. दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात बोली थी. तो देखिए,
सिर्फ एक क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचना तो काफी नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग कभी भी। उस क्वेश्चन से आप जितना सीख सकते हो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, एंड इसलिए मैं आपको इस तरीके से करवाती हूँ। ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी एंड आई विल मेक श्योर सारी अच्छी तरीके से जो है आपको समझ में आए। ओके गाइस, सी यहाँ पर मैंने लिस्ट दी है अपकमिंग फ्री एंड स्पेशल क्लासेस की जो कि अन अकेडमी पर होने वाली हैं। कल ही मैंने एक क्लास ली है लर्न कंसेप्ट ऑफ मॉलिकुलर फाइलोजेनी की। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन एएसआईआर के सॉल्व किए एंड उसका पूरा कंसेप्ट देखा। करंटली आज अगर मैं बात करूँ तो एनिमल फिजियोलॉजी पर क्लास है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि डेट भी मैंशन है, टाइम भी मैंशन है, एंड आप फ्रीली इन क्लासेस के लिए एनरोल करके 60 मिनट्स की क्लास फ्रीली देख सकते हैं एंड उनसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। किस तरीके से ज्वाइन करना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, स्टिल अगर नहीं पता चल पा रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से वहां पर बता दूंगी। सिर्फ लिंक दिया होगा उस पर आपको क्लिक करना है, क्लास पर क्लिक करना है एंड एनरोल करना है, फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही क्लास शुरू होने वाली होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा जो है अपने रिव्यू शेयर नहीं करते हैं जिससे मुझे बहुत कम पता चल पाता है। चलिए खैर, इसी तरीके से हम और भी कंटिन्यू करेंगे एंड अभी काफ़ी कुछ हमारा बचा हुआ है इम्पॉर्टेंट टॉपिक। स्लोली एंड स्टडीली मैं सारे के सारे बहुत बेहतर तरीके से कवर करने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए। होप्स तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हो। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए वेट कर रही है। ओके गाइस, हियर इज अ लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट। प्लस कोर्सेज जो है ऑलरेडी अन अकेडमी पर चल रहे हैं। आप मेरी प्रोफाइल सर्च करके वहाँ मुझे फॉलो करके प्लस कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। प्लस कोर्सेज आर पेड कोर्सेज। करेंटली कुछ ऑनगोइंग कोर्सेज हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए चल रहे हैं। कुछ हो चुके हैं जो कि आपको मिस्ड सेक्शन में दिख जाएंगे, जिनकी आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में तो। एंड सम आर अपकमिंग टू फॉर द अपकमिंग सीएसआईआर एग्जाम, ठीक है। अपकमिंग के लिए भी जो है आप देख सकते हैं, जिस तरीके से ये कोर्स भी जो है वो लॉन्च हो चुका है। सो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि बहुत परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड वे में बनाए गए हैं, सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू क्रैक द सीएसआईआर एग्जाम विद गुड रैंक। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी है। इन केस अगर आपको प्लस के बारे में नहीं पता तो मैं आपको प्लस के बारे में भी बता देती हूँ। देखिए, प्लस कोर्सेज जो हैं अन अकेडमी पर पेड कोर्सेज हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज एकदम लाइव चलते हैं एंड दीज आर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। बहुत सोच समझ कर टॉप एजुकेटर्स जो हैं आपके लिए पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज लेकर आते हैं, फ्रॉम डिफरेंट मॉड्यूल्स, फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स, विद द अलॉन्ग विद द रिविजन, डाउट क्लासेस एंड प्रैक्टिस सेट्स टू। आप अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीकली क्विजेस। एवरी फोर्थ सेशन इज डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसमें हमने पिछला 3 सेशन में जो भी कवर किया होता है उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो आप अपना क्लियर कर सकते हैं। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर 1 मंथ, फॉर 3 मंथ, फॉर 6 मंथ, फॉर 12 मंथ एंड फॉर 24 मंथ्स। अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड रिक्वायरमेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं। 12 मंथ इज बेस्ट बिकॉज उसमें सारा सिलेबस आपका परफेक्टली कवर हो जाएगा एंड लाइफ साइंस के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। फॉर एमएससी स्टूडेंट्स 24 मंथ्स इज लाइक वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि इन 2 सालों में एमएससी के साथ साथ आपका सीएसआईआर का भी प्रिपेयर हो जाएगा। आप दोनों जगह चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मंथ, कितने भी मंथ के लिए एनरोल कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इन केस अगर आपको स्टिल कोई डायलमा है, कोई आपको क्वेरी है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। यहाँ पर को फॉलो का ऑप्शन मिलेगा एंड तुरंत फॉलो करने के बाद आप मुझे मैसेज भी कर पाएंगे या फिर आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर, दैट इज तनेजा नेहा ऑफिशियल एट द रेट ऑफ gmail.com। सिर्फ सब्जेक्ट में डाल दीजिएगा कि क्या क्वेरी है, सब्जेक्ट डाल दीजिएगा रिगार्डिंग सीएसआईआर नेट प्लस सब्सक्रिप्शन, आई विल गाइड यू। नेक्स्ट, आप कितने भी मंथ्स के लिए एनरोल करें आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि मेरा नाम है नेहा तनेजा एट द टाइम ऑफ फीस पेमेंट, सो दैट आपको जो है 10% डिस्काउंट जो है वो टोटल फीस पर मिल जाए, दैट विल बी ग्रेट। तो ये चीज़ एक बार देखिएगा एंड इस इन केस स्टिल आपको कोई डायलमा होता है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। सो गाइज, आई होप सो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कीप इवॉल्विंग पॉजिटिवली।
थैंक यू सो मच।